भगवान रसा स्वादन करना चाहते थे, प्रेम भक्ति का रसा स्वादन करना चाहते थे, और दूसरा प्रेम भक्ति का वितरण करना चाहते थे। भगवत प्रेम का रसा स्वादन पहले स्वाद करना चाहते थे, फिर उसको स्वाद कराना चाहते थे। हम लोगों में क्या, हम जीवन में सिर्फ करना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, लेकिन महाप्रभु ऐसे नहीं है। महाप्रभु पहले रसा स्वादन करना चाहते थे और फिर उस रस आस्वादन करके हम लोगों को देना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों के लिए नहीं है, अनर्पित चिरापचरित, ये अनर्पित है, अर्पित नहीं है हमारे लोगों के, हम लोगों के लिए नहीं है ये। हम लोगों को महाप्रभु कृपा में दे रहे हैं, कृपा के साथ ये फ्री का सौदा हमको मिल गया। हम लेने गए थे एक चीज, तो हमको पता चला इस चीज के साथ ये चीज फ्री मिल गई। तो सिमिलरली हम लोगों के लिए भक्ति नहीं थी, लेकिन कलयुग में आए और महाप्रभु ने बोला मैं उन लोगों को चुन चुन के दूंगा जो लोग नलायक है। महाप्रभु ने योगी ज्ञानी नहीं ढूंढे, महाप्रभु ने नलायक ढूंढे, जो पीछे रहने वाले थे उनको आगे लाके दिया, जिनके पास योग्यता नहीं थी उनको दिया, जिनके जो अयोग्य थे योग्यता नहीं थी सबको दिया, लेकिन एक योग्यता फिर भी देखी, और वो यज्ञ ये थी कि वो बस महाप्रभु के कीर्तन में बस हाथ खड़ा कर देते थे, या कीर्तन बोल देते थे, या आंखों से देख लेते थे, या कुछ भी, एक भी अच्छी चीज कीर्तन के लिए जिन्होंने कर दी महाप्रभु को पहन दिया, कुछ भी एक चीज, किसी ने स्माइल कर दी तेरे को मिल गया, किसी ने बोल दिया हरि बोल तेरे को मिल गया, किसी ने बोल दिया कितने अच्छे भक्त है तेरे को, बस ऐसे तो देता है क्या, ऐसे किसी को मिलता है कुछ, महाप्रभु ने ऐसे दिया।